माई डियर स्टूडेंट्स अब हम हैं, 4, very easy, very करते हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर फोर वेरी इजी वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल ऑल्सो स्टेटमेंट रीड करते हैं फाइंड द मोड ऑफ फोर्टीन ट्वेंटी फिफ्थ फोर्टीन ट्वेंटी एट्थ बेसिकली डाटा गिवन है इस डेटे की मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास टू वेज है मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करने के या तो आप डाटा को अरेंज कर लीजिए एंड सेकेंड इज डायरेक्टली ऐसी रैंडमली पिक कर सकते हैं क्या पिक करना था मोड वट्स द डेफिनेशन ऑफ मोड हाइस्ट फ्रिक्वेंसी रेट दैट इज़ नोन एज मोड मतलब जो मोस्ट अकरिंग आइटम होती है मोस्ट अकरिंग आइटम देखिए यहाँ से एकदम से हमें बिकॉज ऑफ दैट यहाँ आइटम्स वेरी लेस हैं इसलिए हम जल्दी से जजमेंट कर सकते हैं तो यहाँ अगर करना चाहो अरेंज डाटा कर सकते हो नहीं करना चाहो तो भी चल जाएगा डायरेक्टली पिक कर सकते हो पर आपके पास टू ऑप्शन हैं ये फोर्थ क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए देखिए फोर्टीन में भी टेट्रा टाइम्स फोर्टीन फोरटीन ट्वेंटी फिफ्थ तो टेट्रा टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि फोर टाइम्स फोर्टीन एग्जिस्ट कर रहा है देखिए कैसे यहाँ पे देखिए आप।, आप अपने नोट्स पे ऐसे मेंटेन कर लेना जी नोट्स में या जहाँ पे भी आप लिखते हो जहाँ पे भी आपने लिखना है देखिए फर्स्ट मेथड मोस्ट अकरिंग आइटम फोर्टीन या फिर सेकेंड मेथड अरेंज द होल डाटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग वहाँ से पिकिंग करनी ईजी रहता है कि फोर्टीन है वो फोर टाइम्स यानी कि टैट्रा टाइम एग्जिस्ट करा ठीक है जी दिस इज़ द मोड वैल्यू बस आपका ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था यहीं तक था अब हम आपको एक और डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ जो आपका ये फोर्टीन चैप्टर है आपकी टेंथ क्लास की बुक में टेंथ एन की बुक में देखिए फिर से स्टेटस्टिक्स आने वाली है सो दिस इज़ द रीज़न कि जो नाइन्थ में जो भी चैप्टर्स आप रीड कर रहे हो ऑलमोस्ट सभी ही रेपिटिशन्स में है नाइन्थ में जस्ट उनकी स्टार्टिंग है टेंथ में वही वाले एडवांस में भी है प्लस एडिशन्स भी है जैसे ए पी सीरीज ए पी जी पी यहाँ पर न्यू है आप देखिए आप, आपको स्टार्टिंग से इसका इंडेक्स दिखाती हूँ आपको ये टेंथ क्लास की एन की बुक है देखो रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर सेम है सिमिलर या पोलिनोमियल की कर लिया लीनियर इक्वेशंस भी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी रीड की हैं देखो रीड करने का मीनिंग नाइन्थ क्लास में जस्ट इनिशियल स्टेज है उनकी पर बेस नाइन्थ क्लास ही है इसलिए मैं आपको ये सब इंडेक्स क्यों दिखा रही हूँ नाइन्थ क्लास में जो भी चैप्टर्स कर रहे हो उसको गो थ्रू थॉरोली करो कंसेप्ट वहीं से क्लियर करते जाओ सो so दैट कि टेंथ का मैथ आपको टिपिकल ना लगे नहीं तो आपके लिए इसको क्लियर करना बहुत टिपिकल हो जाएगा टेंथ में क्योंकि टेंथ का जो मैथेमेटिक्स है बहुत एडवांस चला जाता है बिकॉज ऑफ दैट टेंथ से आपने इलेवंथ में प्रमोट होना होता है इलेवेंथ का और भी ज़्यादा हायर लेवल का होता है इसलिए नाइन्थ क्लास बेस है बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सी डेफिनेशन है हर किसी के मतलब थोरोले थोरोली नहीं है बेसिकली सब वो कंसेप्ट बट ट्राई करनी है कंसेप्ट को क्लियर करने की यहाँ देखिए जी जो न्यू चैप्टर है ए पी आया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टेंथ क्लास में ट्राई भी ट्राई भी शायद नहीं है फिफ्थ और सिक्सथ ट्राइंगल्स भी नहीं थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो आप कर रहे हो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री भी न्यू कंसेप्ट है यहाँ पे ठीक है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितनी भी आपने करी है उसको बहुत अच्छे से करना अब नेक्स्ट देखिए जी सम एप्लीकेशन ऑफ उसकी एप्लीकेशन आ गई है न्यू है सर्कल्स आप है आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में नाइन्थ क्लास के मैथेमेटिक्स में वो इनिशियल है ये थोड़ा सा एडवांस में है कंस्ट्रक्शंस भी हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स भी ट्वेल्थ चैप्टर भी है थर्टींथ भी, भी, भी है जो हम फोर्टींथ के बाद थर्टींथ चैप्टर ही स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे सर्फिस एरियाज़ एंड वॉलीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर किसी भी चीज़ का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है स्टेटस्टिक्स पे ध्यान दीजिए वही सिमिलर फोर्टीनथ चैप्टर नाइन्थ क्लास में टेंथ में भी देखिए इसकी देखिए मैथमेटिक्स क्लास टेंथ ठीक है जी एन के की बुक वही सिमिलर चीज़ फिर से रिपीट हो रही है बेसिकली यहाँ रिपीट नहीं होती टेंथ क्लास में जो कुछ आप नाइन्थ में पढ़ चुके टेंथ में आकर ये मानती है बुक एन सी आर टी की टेंथ की मैथेमेटिक्स की कि स्टूडेंट्स को इन सभी चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज है तो यहाँ पे उनको फिर से रिपीट नहीं किया जाता कुछ भी यहाँ पे एडवांस है जैसे यहाँ देखिए ग्रुप्ड डाटा मीन मोड एंड मीडियन ग्रुप्ड डाटा की बात कर रहे देखिए यहाँ पे ठीक है जी यहाँ पर और ग्राफिकल प्रजेंटेशन ऑफ आपने सिंपल करा था यहाँ कम्यूनिटिव फ्रिक्वेंसीज के थ्रू प्रेजेंटेशंस के थ्रू ठीक है समरी ये वही स्टेटिस्टिक है प्रोबेबिलिटी भी आपने फिफ्टींथ है यहाँ पे भी फिफ्टींथ चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का भी और ये फोर्टीन चैप्टर लास्ट में देखते हैं आपकी बुक में किस टाइप का क्या दिया हुआ है ये देखिए जी फोर्टीन चैप्टर यहाँ से देखिए फोर्टीन चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का मीन ऑफ सबसे पहले मीन जस्ट इंट्रोडक्शन दी हुई है इंट्रोडक्शन हम बहुत थॉरोली नहीं देंगे कुछ भी ये यहाँ पे टेंथ में मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा देखिए कैसे आपको एकदम से अजीब सा लगेगा सब कुछ जो गिवन है अब आपको अपने वाला ईजी लगेगा क्योंकि हम वो कर चुके पर उन उसको और अच्छे से करना है ताकि जरा सी भी वहाँ नाइन्थ क्लास में किसी भी चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे देखिए हम फॉर्मूलाज देखिए फ्रिक्वेंसीज जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे इसके बाद वो इसी बेस्ड है इसी टाइप का ये फ्रिक्वेंसीज का ये देखिए कैसे एफ़ साथ ही चल रहे हैं इनके ठीक है जी एफ गिवन है देखिए सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अपर क्लास क्लास मार्क हमने फाइंड आउट किए थे फोर्टीन पॉइंट थ्री में वही वाले फिर क्लास मार्क आ गए वही नंबर ऑफ टैलीज ठीक है ये थोड़ा सा हाई लेवल का चला गया इस टाइप का हमने नहीं करा क्वेश्चन वहाँ बेसिकली हमने करा था अनग्रुप्ड डाटा जो नाइन्थ क्लास में हमने जितना भी स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर फोर्टीन का जो भी करा है वो अनग्रुप्ड डाटा का किया था मीन मीडियन मोड सब कुछ जितने भी क्वेश्चन किया नमारिकल पोर्शन जो टेंथ क्लास है इसमें सब कुछ ग्रुप्ड ग्रुप्ड मीन्स क्लास इंटरवल्स मीन्स सीरीज क्लास सीरीज टाइम सीरीज भी बोल सकते क्लास सीरीज भी तो यहाँ ग्रुप्ड डाटा का दिखाया गया देखिए सब कुछ यहाँ पे जी मीन मीडियन मोड ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हैं फोर्टीन पॉइंट नेक्स्ट ये फोर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज देखिए आपको तो कैसी सी लग रही होगी देखने में टोटली स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट्स है इतना हैवी हैवी डाटा नज़र आ रहा है सारा बट ये टफ नहीं है बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा सा इसको कोशिश करो समझने की ठीक है जी ये तो थी फोटी अब फोर्टीन पॉइंट वन के अब फोर्टीन पॉइंट टू मीन डन कम्प्लीट होगा अब मोड का मोड की ऐसी पहले वो जस्ट इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल्स समझाएंगे ठीक है यहाँ पे और ये फैमिली साइज वगैरह आ गया क्लास इंटरवल्स आ गए बेसिकली यहाँ पे ग्रुप्ड डाटा में क्या होता है थ्री टाइप्स की सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टीन्यू सीरीज उसी के बेस्ड पे ही इनके फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज बन जाते हैं ये इसकी एक्सरसाइज आ गई मोड वाले की मोड इन ग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में और उसके बाद देखिए मीडियन आ गया जी मीन मोड मीडियन एंड में दे रहा है इन्होंने ये देखिए सारा आपका चैप्टर तो यही रीजन है कि आपको हम कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से ध्यान से करना ये अगर कई बारी हमारे पास ऐसे शॉर्टकट में आंसर्स दे रखे हो हम डायरेक्टली इजी वे से बेसिकली किस चीज़ का फॉर्मूला एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करके मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने ऑब्जर्व करा उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला मेंटेन किया थ्री मीडियन इज इक्वल टू तो मोड प्लस टू मीन का ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है एम सी क्यूज़ में आ सकता है नेक्स्ट ये देखिए कम्योलिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो ओजाइब्स की काफ़ी बारी बात की है मैंने आपसे वो लेस देन ओजाइब और मोर देन जब ये इंटरसेक्ट होते हैं तो वहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होती है दैट इज़ नोन एज मीडियन वैल्यू यानी कि हम मीडियन एंड मोड को ग्राफिकली भी सर्च कर सकते हैं मतलब ढूंढ सकते हैं आंसर सिर्फ मीडियन एंड मोड को पर मीन का कोई वे आउट नहीं है ठीक है मीडियन को किसके थ्रू ओजाइब्स के थ्रू दीज आर नोन एज ओजाइव कब्ज दिस इज नोन एज लेस देन ओजाइव याद रखना इस टाइप की लेस देन होती है मोर देन ओजाइब्स होती है फिर देखिए जी नेक्स्ट मोर देन ओजाइब्स होगी फोर्टीन पॉइंट फोर बस जी ओजाइब्स तक ही है आपका और नहीं है ठीक है यहाँ तक ही आपका यानी कि मेन मीडियन मोड थ्रू ग्रुप्ड डाटा यहाँ आपके टेंथ क्लास में ये आएगा ठीक है इसलिए रीज़न यही है कि आपने अभी से जो आप नाइन्थ क्लास में रीड कर रहे हो स्टडी कर रहे हो उनको गो थ्रू अच्छे से करना पूरा कम्प्लीटली समझने की कोशिश करनी है और इसी के साथ ही जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर जो वेरी इजी वेरी सिंपल था वो कम्प्लीट हुआ थैंक यू स्टूडेंट्स